क्या आप लोगों को पता है इंडिया का पहला ग्रीन विलेज कौन सा है? अगर नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज खोनोमा, जो कि नागालैंड के राजधानी कोहिमा से बस 20 किलोमीटर दूर पे है। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग ऑफ नागालैंड सीरीज। और आज मैं हूँ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज जो कि खोनोमा में है, और आज मैं पूरा खोनोमा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और मेरे साथ है केविन, मेरे फ्रेंड एंड एज ए गाइड फ्रॉम दिस विलेज ओनली। सो ही विल बी गाइडिंग मी थ्रू ऑल द विलेजेस एंड और आज ये पूरे डिटेल्स में मुझे बताएंगे खोनोमा विलेज के बारे में। सो अभी हम लोग विलेज का टूर कर रहे हैं और सेमोमा फोर्ट नाम का एक इधर फोर्ट है, तो वहाँ जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग हैं देखिए खोनोमा विलेज पे पूरा, और ये पूरा विलेज का व्यू यहाँ। और ये है नॉर्थ ईस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट, सेमोमा फोर्ट, जो कि 1825 में बिल्ड किया गया था। और इस फोर्ट के वजह से जो 1850 टू 1879 में जब एंग्लो नागा जब वार हुआ था, जब ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया था, तो उस समय इस फोर्ट ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी उन लोगों को रजिस्ट करने में। और उस समय के जो मेजर थे, मेजर जॉन बटलर, तो उन्होंने इसी वजह से इस फोर्ट को नॉर्थ ईस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट डिक्लेयर किया था। तो ये देखिए पूरा ये फोर्ट के सामने का भी व्यू पूरा, तो बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो चलिए फोर्ट के ऊपर जाके देखते हैं अभी। तो आप लोग ऊपर आके भी देख सकते हैं, देखिए पूरा कितना सुंदर इधर का व्यू है। ये पूरा पूरा विलेज का व्यू आप इधर से देख सकते हैं। और वो देखिए जो टेरेसेस फील्ड, यहाँ जो खेती वगैरह होता है, इधर से आप पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और देखिए इधर का व्यू पूरा। कहने को तो ये खोनोमा एक विलेज है, लेकिन बहुत ही जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ही डिफरेंट है यहाँ। क्योंकि देखिए हर जगह आपको वाटर फैसिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इधर कोई दिक्कत है, बहुत ही वेल मेंटेन गांव है ये। और पूरा देखिए इधर हर जगह अच्छा से मेंटेन किया गया है, और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड विलेज इन नागालैंड आप इसको बोल सकते हैं। सो इस फोर्ट को हम लोग एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए मोरुंग्स की ओर, जो कि नागालैंड का सबसे यूनिक एक चीज़ माना जाता है। मोरुंग जो है एक लकड़ी का घर है, जो ही बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड किया जाता है, और बाहर बेंच वगैरह लगा के और बीच में आग जला के, तो सभी छोटे बड़े सभी लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे चीज़ डिस्कस किया जाता है। और जो बड़े लोग हैं वो लोग छोटे लोगों को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चर के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट जो बहुत सारे नॉलेज होते हैं वो सब पीढ़ी दर पीढ़ी पास करते हैं। तो इस तरीक़ा से अपना मॉरल वैल्यू जो नागालैंड के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग यूथ लोगों को मॉरल वैल्यू पास किया जाता है। तो इसको आप एक टाइप ऑफ गुरुकुल भी कह सकते हैं, जहाँ पे लोगों को, बच्चे लोगों को सिखाया जाता है, जो कि यूथ लोगों है उन लोगों को बताया जाता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। चलिए इस मोरुंग के अंदर जाके देखते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे पूरा ये दिस और टिम्बर्स टू बॉन्ड हियर, राइट? ओके, सो ये सही। ओके, सो ये जितने भी लकड़ी वगैरह यहाँ रखे हैं, तो शाम को इधर जब सभी लोग बैठते हैं, मीटिंग होता है अगर या कुछ इधर होता है, तो यही लकड़ी सब इधर यूज़ किया जाता है। और सभी जो मेन हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं और जो अलग अलग
यूथ लोग हैं इस विलेजेस के, वो लोग इधर आते हैं और सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, और एक उस चीज़ों के बारे में अगर डिसीजन लेना है तो वो लोग लेते हैं। और देखिए पूरा स्टोर बना हुआ है यहाँ पे, तो सभी चीज़ यहाँ अवेलेबल रहता है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक यूनिक चीज़ देखिए, ये एज ए प्लेट है और एज ए ट्रे मान सकते हैं इसको। और जब भी इधर कुछ फंक्शन होता है, मीटिंग वगैरह होता है, तो इस प्लेट पे देखिए पूरा सभी चीज़ों को, अगर मांस वगैरह अगर पकाया जाता है तो ये पूरा इसमें सर्व होता है और सभी लोग मिल के यहाँ इंजॉय करते हैं। और ये देखिए पुराने ज़माने के, ये शायद भालू का चमड़ा का है ये, तो ये जो शील्ड, जैसे कि आप लोग अगर कोई युद्ध वगैरह होता है तो उसमें इसे रुकाने के लिए ये बनाया जा, ये यूज़ किया जाता है। और ये देखिए, ओके, और ये एक ऐसे चम्मच टाइप है बड़ा सा, जो अगर सब्जी वगैरह बहुत ही बड़ा क्वांटिटी में बनाते हैं तो इससे चलाया जाता है। देखिए कितना बड़ा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इट्स लाइक सो। देखिए आप मेरे हाइट से, मेरा हाइट है 5.4, और ये देखिए इसका हाइट, ये चम्मच का, तो इससे पूरा जैसे ऐसे करके चलाया जाता है, तो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक पीस ऑफ आर्ट है ये सब, देखिए नागालैंड का खनोमा का। सो ये था इस मोरंग का अंदर का टूर, और कुछ डिटेल मैंने बताया आप लोगों को। और देखिए यहाँ बहुत सारे बंदूक वगैरह शोकेस किया गया है, तो और बहुत ही नेवर। सो देखिए कितना बड़ा सा बंदूक है ये, शायद पहले इट्स यूज फॉर हंटिंग फॉर राइट, और ओके ओके। सो पहले जब ब्रिटिश लोगों से लड़ाई वगैरह हुआ था तो ये सब यूज़ किया गया था, ये सब गन। सो सभी को यहाँ अच्छी तरीके से शोकेस किया गया है इस मोरंग पे। सो ये था हमारा मोरंग का टूर यहाँ का, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे और सारे देखने को चीज़ें पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। सो ये देखिए, ये यहाँ का ट्रेडिशनल शॉटपुट है, तो शॉटपुट आप जैसे जानते हैं गेम होता है जिसमें एक पत्थर को उठा के दूर पे फेंका जाता है, तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल शॉटपुट है। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट छोटा से लेके पूरे बड़ा तक यहाँ है, तो आई विल ट्राई वंस, ओके, जस्ट टू जस्ट पुल अप, या यू यू वेट एंड टू टेक द बिग वन, दैट्स इट, यू ट्राई दैट वन, दिस वन, या बहुत ही भारी है ये, देखिए कितना भारी सा पत्थर और कितना बड़ा पत्थर है देखिए। सो दे यूज्ड टू थ्रो इट लाइक दिस राइट, दे यूज्ड टू कंडक्ट सम गेम्स एंड ऑल ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, ओके ओके। सो ये पहले के समय में जब सभी लोग इधर जो खेल वगैरह इस मोरंग के सामने कंडक्ट किया जाता था, तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ भी इधर होता था, गेम वगैरह। सो बहुत सारे चीज़ मोरंग्स के बारे में जानने के बाद, कैसे एक मोरंग्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अंगामिस कल्चर है, जो नागा कल्चर है, प्रिजर्व करने के लिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे इस कल्चर को पास करे अपने बड़ों से छोटे के साथ, कैसे इन सब चीज़ों को सिखाए, तो ये सब चीज़ जानने के बाद तो हम लोग निकल पड़ते हैं पेडी फील्ड की ओर, जो कि खनोमास का बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और मेनली ये सब जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक्चुअली सिमेट्री है, इधर लोग मर जाते हैं तो इधर दफनाया जाता है, लेकिन एज ए रेस्ट करने के लिए भी इधर लोग इसे यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में और अभी भी अगर खेत करके जब
फसल पक जाता है, जब लोग आते हैं इधर थक जाते हैं तो इसके ऊपर बैठ के रेस्ट किया जाता है, और अपने जो धान वगैरह लेके आते हैं वो इधर रख के आराम से रेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाते हैं। तो चलिए आगे निकलते हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाला है ये फल, देखिए खा के देखते हैं खोनोमा का फल। बहुत ही खट्टा है ये, बहुत ही देखिए कुछ अलग टाइप का फल है ये, और बहुत ही खट्टा और बहुत ही टेस्टी है। चलिए इस फल को खाते खाते पेडी पील एक्सप्लोर करते हैं। Yes. Can we eat? Yes, of course. So, अमरुद तोड़ के खाने वाले हैं खोनोमा पे। ये देखिए अमरुद का पेड़। You search for the ripe one. Even this one also. Which one? खोनोमा का अमरूद, टेक वन। थैंक यू। खोनोमा का अमरूद खा रहे हैं देखिए पूरा खेत में। बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग है इस गांव में, और यहां के जो लोग हैं ना बहुत ही फ्रेंडली है, तो आप लोग अगर आते हैं तो बहुत एक अपनापन लगेगा इस विलेज पे, और बहुत ही अच्छा से विलेज का टूर भी करवाएंगे। तो चलिए जाते हैं नागालैंड के इस खोनोमा विलेज पे, जो कि एशिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज है। खोनोमा सिर्फ एक गांव नहीं, अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। तो इस छोटी सी दुनिया को एक बार आप जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। तो खोनोमा का ये सफ़र आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले सफ़र पे। सो टिल देन कीप वंडरिंग।